लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खत्ता में इन दिनों अवैध कच्ची शराब का कारोबार जोरों पर चल रहा है, जिससे परेशान कई महिलाओं ने कोतवाली पर घेराव किया और शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि दो दिन पहले अवैध शराब बिक्री की शिकायत करने पर एक दुकानदार पर चाकू से हमला किया गया था, जिसमें दुकानदार गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसे माननीय न्यायालय ने जमानत दे दी है। इनका झगड़ा है तो ये उसकी शिकायत करने के लिए थाने पाए। देखिए, इसके द्वारा जो धंधा करता है वो बोल रहा था कि अगर तुमने अपने भाई का केस नहीं लिया तो तुझे रास्ते से गायब कर दूंगा, और भले ही जिंदगी भर जेल में सड़ना ही पड़े तो तुझे मैं जान से मारूंगा और गुम कर दूंगा रास्ते से। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा बोल रहा है क्योंकि केस वापस ले लो, नहीं तो आपने क्या लिख के दिया था? मेरे भाई को उसने, हमारी शॉप है तो मेरे भाई को उसने चाकू से मारा था। एक चंदन टाकुली था और एक दयाल आ रहा था, एक मनोज आ रहा। हमारी दुकान वो ऐसी शराब राब बेच, कच्ची रात को शराब तस्करी करते हैं, इधर उधर कच्ची अच्छी बेचते रहते, घूमते रहते रोज रात को।